अगर जीतना है तो एक नया रास्ता बनाना होगा, एक नई पहचान बनानी होगी। बचाना है ना किसी अपने की जान, बोल बचानी है या नहीं, तो एक नई सुबह बना, ले नई उड़ान, लेकर नया रूप बना अपनी नई पहचान, काट दे अपने इन केसों को, जला दे होलिका में अपनी पहचान, अपना अतीत और अपना वर्तमान सब झोंक दे आग में और ले ले नया रूप, नया जन्म। नई सुबह बना, ले नई उड़ान, लेकर नया रूप बना अपनी नई पहचान, काट दे अपने इन केसों को, जला दे होलिका में अपनी पहचान, अपना अतीत और अपना वर्तमान। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। तेरी पहचान ही तेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर अपनी बाबा के लिए लड़ना चाहती हो तो अपनी पहचान बदलनी होगी। तो बता, बचा पाएगी अपने बाबा की जान? क्या जरूरी है तेरे लिए, अपने बाबा की जान या फिर अपनी पहचान, बोल। तू देख, ये माँ अपनी ममता में जहर कैसे मिलाती है। अरे तेरे बाबा को क्या किसी को भी पता नहीं चलेगा कि वो कब और कैसे भगवान को प्यारा हो गया। नई सुबह बना, ले नई उड़ान, लेकर नया रूप बना अपनी नई पहचान, काट दे अपने इन केसों को, जला दे होलिका में अपनी पहचान, अपना अतीत और अपना वर्तमान। सोच क्या रही, दुश्मनों ने घेर रखा है तुम्हारे बाबा को, एक और वार होगा उस पर, तेरा बाबा हमेशा हमेशा के लिए तुझसे दूर चला जाएगा। तेरे बाबा को अब तू ही बचा सकती है। Thank you.
आज आपकी डोरी आपके लिए अपने आप को बदल रही है। मैं आपके लिए एक नया रूप ले रही हूँ ताकि दुश्मनों के बीच गिरे अपने बाबा को वापस उनकी डोरी से मिलवा सकूं। जिस दिन बाबा आप अग्नि से वापस गंगा बन जाओगे उस दिन वापस अपने पुराने रूप में आएगी आपकी डोरी। पास बाबा पूरे लोगों को हराने के लिए और आपको आपके दुश्मनों से बचाने के लिए बाबा और डोरी को फिर से एक बार मिलाने के लिए। होलिका को घमंड था कि वो जल नहीं सकती, पर भक्त प्रहलाद की अच्छाई और उसकी सच्चाई कारण बना उसके अंत का। जब जब होलिका का प्रकोप छाएगा कोई प्रहलाद आएगा और दहन करेगा दुष्टता का और बुराई पर जीत दिलाएगा अच्छाई को। मैं इन्हें अकेले इस हालत में घर तक कैसे ले जाऊं? बुखार तो और बढ़ता जा रहा है। न जाने डोरी कहाँ है, उसका ना होना ही गंगा जी को ऐसे तड़पा रहा है। आज तो अग्नि का बर्ताव कुछ अलग ही था। करे भैया, इससे पहले ताड़ी से उसका दिमाग सुन होता था, पर इतना गुस्सा आज तो उसका गुस्सा जैसे
सातवां आसमान छू रहा था। जो भी हो, इसमें जरूर कैलाशी ठकुराइन का ही हाथ है। अब मुझे सिर्फ अग्नि पर ही नजर नहीं रखनी है, बल्कि कुछ बड़ा करना होगा ताकि अग्नि की लगाम मेरे हाथ में रहे। क्योंकि क्या है ना कैलाशी ठकुराइन, जो घाव तुमने मुझे दिया है वो बहुत पुराना और गहरा है, तो उसकी कीमत भी तुम्हें अच्छे से चुकानी पड़ेगी, वरना ये घाव भरेगा नहीं बल्कि नासूर बन जाएगा। नहीं, नहीं, कोई प्रहलाद नहीं आएगा। ये कलियुग है, यहां बुराई की जीत होती है और अच्छाई का दहन होता है। देख लेना, हर साल की तरह इस बार भी होली पर हमारी जीत के रंग चारों तरफ बिखरेंगे। देखना मां, अब हम पूरी रात यही खड़े रहकर तुम्हारी आरती करेंगे, तुम्हें पुकारेंगे मां, और इस कदर पुकारेंगे कि तुम मजबूर हो जाओगी हमें जिताने के लिए। मुझे बाबा के सामने उस कन्नी ठकुराइन का सच लाना है और बाबा को उनके दुश्मनों से बचाना है। मुझे इसमें सफल करना। देख ले माँ, नहीं बुझने दिया, हमने हमारी जीत का ये दिया, इसलिए अब जीत भी हमारी होगी और ठाकुर परिवार का साम्राज्य भी। महेंद्र ठाकुर का बड़ा बेटा इस विरासत का असली वारस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कुछ भी नहीं। आप बेहोश हो गए थे और
ये जगह पास ही में थी, इसलिए मैं आपको यहां ले आई। शुक्र है आपका बुखार उतर गया। क्या हो गया था आपको? कल होलिका दहन के बात का मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैं यहाँ क्या हुआ था, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अचानक आपको इतना गुस्सा आ रहा था कि आप अपने सामने आने वाली हर चीज को जला देना चाहते थे। क्या गुस्सा? शायद इसलिए कि कहीं ना कहीं आप खुद अंदर ही डोरी के चले जाने के पछतावे में जल रहे हैं। मुझे घर जाना है, मेरी माँ मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहे होंगे। कैसे समझाऊं आपको कि आपका परिवार सिर्फ डोरी है जो न जाने कहां गुम हो गई है। अरे बच्चे लोग देख के तो चलो, मेरा दिया थाली सब गिरा दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें हाथ लगाने की? हम तो तुम्हें नाम है भोला, पर हुआ आपका घोला। छोटा मुंह बड़ी बात, एक औरत मर्द पर हाथ नहीं उठा सकती, ये उसे शोभा नहीं देता। तुम्हारे बाबूजी कैसे थे? जो पचे वो खाना नहीं और जो नजरों से गिर जाए उसे उठाना नहीं। और कितना गिरोगे तुम? क्या? अब तनिक बात तो पूरी होने दीजिए हमारी। हमारा मतबल है कि आप फिसल के गिरने वाली थी, और अगर तुम गिर जाती तो चोट लग जाती तुम्हें, और इसलिए हाथ पकड़ लिया। वैसे तुम्हें बुरा ना लगे तो एक बात कहूं, औरतों को आंखें नीचे रखनी चाहिए। यही तो औरतों के लिए सबसे बड़ा नियम है। औरतों के नजरें उठी तो घटना घटी। क्या सोच रही हो? बदतमीज छोकरे, चल निकल यहां से। अरे हट। आज ठकुराई नहीं पहचान पाई कि मैं भोला नहीं डोरी हूँ। मैं किसी तरह बच गई,
लेकिन मैं बाबा के सामने ऐसे आऊंगी, तब मुझे इतनी हिम्मत देना कि मैं बाबा के सामने ये नाटक कर पाऊं। भैया, मैंने बाबा के लिए अपनी पहचान छोड़ दी है, ताकि बाबा को उनकी खुद की पहचान याद दिला सकूं। आप मेरा साथ देना।